19 एवं 21 की 26/6/2020 को प्रथम सड़क सुरक्षा सप्ताह के पांचवे दिन परिवहन विभाग द्वारा पीतल नगरी डिपो की बसों के चालकों एवं परिचालकों हेतु सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों से संबंधित कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें परिचालकों को गाड़ी चलाते समय किन किन सावधानियों को बरतना चाहिए, साथ ही रोडवेज की बसों में सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों संबंधित स्टिकर चिपकाए गए एवं रोडवेज की बसों को सैनिटाइज भी किया गया। इस कार्यशाला में संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन कमल प्रसाद गुप्ता, अतुल जैन क्षेत्रीय प्रबंधक उत्तर प्रदेश परिवहन निगम अम्बुज, कुमार सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन, शिव बालक सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक पीतल नगरी डिपो उपस्थित रहे। दुर्घटना को रोकना इस समय शासन मुख्य प्राथमिकताओं में से एक है। इसी के मद्देनजर हम लोगों ने परिवहन विभाग और परिवहन निगम के सौजन्य से आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें हमने चालकों परिचालकों को, जो कि मुख्य रूप से वाहन संचालन से जुड़े हुए लोग हैं, दुर्घटना ना हो इसके लिए क्या क्या आवश्यक उपाय करें, क्या क्या सावधानियां बरतें, उसके बारे में बताएंगे। और दुर्घटना से होने वाली जो हानि है उसके बारे में बताया गया कि एक दुर्घटना किसी व्यक्ति के परिवार के लिए, उनके स्वयं के लिए, उनके स्वयं के परिवार के लिए और देश के लिए इस सीमा तक हानिकारक है, उससे उनको अवगत कराया गया और उनको यह जागरूक किया गया या सचेत किया गया कि वाहन संचालन के समय सावधानी बरतें, जिससे कि स्वयं भी सुरक्षित रहें और सड़क पर चलने वाले दूसरे आदमी भी सुरक्षित रहें। वर्तमान संचालित सड़क सुरक्षा सप्ताह के आज पाँचवा दिन है। आज पाँचवें दिन हम लोगों ने यहाँ पीतल नगरी जो रोडवेज का बस अड्डा है वहाँ हम लोगों ने एक चालकों का वर्कशॉप रखा हुआ था विभाग की तरफ से, क्योंकि रोडवेज के चालक बहुत सारे यात्रियों को लेकर सड़क पर वाहन चलाते हैं, उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। उन्हें बताया गया कि जो सड़क पर सुरक्षित कैसे चले, उन्हें यातायात नियमों की छोटी छोटी बातों से उन्हें अवगत कराया गया और उन्हें इस बात का संदेश दिया गया कि आप किस प्रकार से सुरक्षित अपने मंजिल तक पहुंच सकते हैं और आप ऐसा करके सड़क पर हो रहे दुर्घटनाओं को कम करने में अपनी भूमिका निभा सकते हैं।